कोई अपने आप को गुंडा डिक्लेयर करके तो दिखाए आज की डेट में यूपी में। माई का लाल हो तो बोले कि मैं गुंडा हूँ। यूपी ने अपने आप को गुंडा बोल के तो दिखाए। तख्ती डाल के घूमेगा। पानी पी दिया, ठंडे हो जाइए थोड़ा। मैं देता हूँ ना, एक के मिश्रा जी पानी पिलाने के लिए आए हैं सर। हम पानी पीते नहीं है, पानी पिलाते हैं। एक सेकंड, कांग्रेसी लोग ही ऐसे बेवकूफ भरे लॉजिक दे सकते हैं? बेवकूफी वाले लॉजिक केवल कांग्रेसी लोग दे सकते हैं। मैं जवाब दे दे रहा हूँ। विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, पुलिस वाला हो, नागरिक हो, बिजनेसमैन हो, जो गुंडाई करेगा वो यही बोलेगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। मेरे कहने का मतलब एक घटना है और दूसरा प्रशासन है। प्रशासन में अगर मुख्यमंत्री आकर के उसको संज्ञान लेके बोलता है तो ये क्या बुरी चीज है? समाजवादी पार्टी, इसके पहले तो कोई बोलता ही नहीं था। केजरीवाल के सामने आत्महत्या कर ली थी, वो पेड़ पे झूल गया था। केजरीवाल सरकार ने उस तक नहीं किया, उनकी पूरी सभा जंतर मंतर पे चल रही थी। संवेदनहीन सरकारें थी इसके पहले। फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई एके मिश्रा के लिए। आज एके कहीं भाजपा का लिखा हुआ है, भाजपा नेता, भाजपा प्रवक्ता, भाजपा समर्थक? नहीं, उनको लगा तो भाई को नसीहत दीजिए मिश्रा जी। नहीं नहीं, इस वक्त एके मिश्रा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। एके मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एके मिश्रा जी, आज हम बात उत्तर प्रदेश में उस पुलिस का जिक्र कर रहे हैं जिसकी एक गजब थ्योरी आई है, अजब गजब थ्योरी। 5 फीट 6 इंच हाइट लड़के की पुलिस कस्टडी में, जिसकी मौत हो गई, जिसे कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली, और नल की लंबाई जो है वो लगभग 2 से 2.5 फीट है। इस थ्योरी पर यकीन होता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे की मौत हुई है उसके लिए दुख है, उसके परिवार के तरफ मेरी तरफ से बहुत संवेदना है। मृत्यु कभी भी किसी की नहीं होनी चाहिए, अब बिना समय के जो है लोग अपनी भरपूर उम्र जिए। ये थ्योरी जो आप बता रहे हैं, डेफिनेटली इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं और बहुत सारे मीडिया वाले क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसमें जो चीज आप जानना चाहते हैं वो चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इतने बड़े प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जो नहीं होने चाहिए। 100% शासन प्रशासन सक्षम अभी नहीं हुआ है। एक चीज का सुख है या संतोष है, ठीक ऐसे ही घटना एक गोरखपुर में हुई, वहां पे भी ये सारे सवाल उठे थे। वहां पे तुरंत एटलीस्ट मैंने ये देखा था कि सूबे का मुखिया, मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री वगैरह तो बोलते भी नहीं थे इन सब चीजों पे, फ्रंट पे आके उन्होंने अपना डिसीजन बताया और साफ शफाफ शब्दों में बोला कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देर है, अंधेर नहीं है, न्याय में इस केस में भी अगर किसी भी तरीके का षड्यंत्र कहीं नजर आता है तो मैं समझता हूं कि सरकार अगर अपने आप को जिम्मेदार मानती है, जैसा कि वो दिखाती है, तो इस पे भी टॉप लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक्शन होगा, ऑर्डर आएंगे, स्टेटमेंट आएगा। लेकिन घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने आसानी से इस पे बिलीव नहीं किया जा सकता है। मैं ये मानता हूं तो और मांग करता हूं कि सरकार को डिफरेंट एंगल से 23 अंडर कस्टडी मौत हो जाए, पुलिस की अंडर कस्टडी में 23 तीन साल में 23 अंडर कस्टडी मौत हो जाए, आप इसे जायज मानते हैं? मतलब नहीं नहीं, बात नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने आपको सबसे पहले ये बोला है कि किसी भी जीव मात्र के लिए अपने देश का नियम ये है कि वो अपनी भरपूर जिंदगी जिए, किसी भी तरीके से वो ना मरे। चाहे वो पुलिस कस्टडी की बात तो छोड़ दीजिए, वो और भी जो होता है, रोग होता है, व्याधि होता है, एक्सीडेंट, किसी भी जाति बिरादरी का कोई भी जीव हो, वो क्यों मरे किसी एक्सीडेंट में? भगवान ने उसको भेजा है तो अपनी आयु जी करके मरे। लेकिन ये एक्सीडेंट है क्या? जायज नहीं मानता हूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये एक्सीडेंट है क्या? मैंने कब बोला ये एक्सीडेंट है? एक्सीडेंटल डेथ का मतलब ये होता है असमय मृत्यु। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, मैं बिल्कुल जायज नहीं मानता हूँ सभ्य समाज में किसी भी तरीके की असमय मृत्यु को। सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद की जो बात है वो ये करना चाह रहे हैं। जल्दी से अभिषेक वाजपेयी, क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से अभिषेक वाजपेयी, मैं समझता हूं कि इसी तरह का रिएक्शन तुरंत होना चाहिए। आपकी बात पे अभिषेक वाजपेयी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं अभिषेक वाजपेयी। तिलक भाई, मुझे लग रहा है कि मिश्रा जी योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं। एक एक बेटे की जान चली गई, एक पिता कितना दुखी है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने की बजाय ये जीव मात्र की बात कर रहे हैं। जे आपको जानकारी होनी चाहिए मिश्रा जी, जिसकी उम्र जितनी लिखी है उतनी ही उम्र होगी उसकी। लेकिन यहाँ पे तो फिर बवाल किस चीज का? अगर आप बोल रहे हैं तो आप
अपने सिद्धांत को मान लीजिए, उसकी उम्र इतनी थी। अब आप अपने बातों में फंस गए हैं। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि एक लड़के की असमय मृत्यु हो गई, आप बोल रहे उसकी उम्र इतनी थी। वाह, आप समाजवादी है कि कांग्रेसी है? उस लड़के की असमय मृत्यु, कांग्रेसी लोग ही ऐसे बेवकूफ भरे लॉजिक दे सकते हैं? बेवकूफी वाले लॉजिक केवल कांग्रेसी लोग दे सकते हैं। एक लड़के की असमय मृत्यु हो गई और आप बोल रहे उसकी उम्र इतनी थी। वाह साहब वाह, कांग्रेस के जवाब देखिए, असमय मृत्यु हो गई और ये बोल रहे हैं कि उसकी उम्र उतनी लिखी थी। अरे मेरे 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 ऊपर आप अपने शब्दों को ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर राजनीति मत करिए सर। एक की असमय मृत्यु हो गई, मैं कामना कर रहा हूँ कि किसी की भी असमय मृत्यु ना हो, मेरी ये कामना है, इस देश की ये कामना है। और आप बोल रहे मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, उसकी उम्र ये लिखी थी? वाह जनाब, क्या राज आप करेंगे क्या? अरे आपने खुद प्लेबैक करिए, मैं एंकर से रिक्वेस्ट करूंगा जरा प्लेबैक के इनके कानों को सुनाइए। ये दिमाग के साथ साथ इनको कानों के डॉक्टर की भी जरूरत है। इन्होंने अभी, मैंने बचाने के लिए नहीं बोला, मैंने बिल्कुल नहीं बोला बचाने के लिए, मैंने बिल्कुल नहीं बचा। मैंने, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैंने हर उस आदमी के लिए बोला है कि कठोर से कठोर चीजें, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कब फेवर किया? आप तो बोल रहे असमय मृत्यु हो गई, उसकी उम्र इतनी थी। क्या साहब, कमाल के कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या एक्सेप्ट किया है? मैंने, आप अगर चाहता जी जरा प्ले बैक करके इनको सुनवाइए मैंने क्या बोला है। एके मिश्रा जी, आप जिस थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपके गले नहीं उतर रही, लेकिन दूसरी तरफ आप जिक्र कर रहे हैं जो बात, जो घटना गोरखपुर में घटी मनीष गुप्ता के मामले पर, लेकिन एक सिक्के का पहलू यह भी तो है कि लखनऊ में विवेक तिवारी। नहीं, जवाब के दो पार्ट है, आप उसको समझ लीजिए। मैं बिल्कुल मुद्दे पर हूँ। आप जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं यूपी पुलिस को, मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। नहीं, आपने इस तरीके की घटना पर तुरंत कार्रवाई हुई, आपने मनीष गुप्ता के मामले पर कहा कि तुरंत कार्रवाई हुई। मैंने गोरखपुर का उदाहरण ये देते हुए कहा कि उस वक्त सूबे का सबसे बड़ा मुखिया आके उसने ऐलान किया कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये नहीं बोला, मुझे अपडेट भी नहीं है कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब, एक घटना है और दूसरा प्रशासन है। प्रशासन में अगर मुख्यमंत्री आकर के उसको संज्ञान लेके बोलता है तो ये क्या बुरी चीज है? समाजवादी पार्टी, इसके पहले तो कोई बोलता ही नहीं था। केजरीवाल के सामने आत्महत्या कर ली थी, वो पेड़ पे झूल गया था, केजरीवाल सरकार ने उस तक नहीं किया। उनकी पूरी सभा जंतर मंतर पे चल रही थी, संवेदनहीन सरकारें थी इसके पहले। अरे मिश्रा जी, माननीय मिश्रा जी, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है। चुनाव में जब लाठी डंडा कट्टा बम बारूद चला, तब तो आपने एक बार भी ना बोला। जब महिला का जी रहा होने वाला था, तब आपने एक बार भी नहीं बताया। ये सपा सरकार की बातें बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की, जब लाठी डंडा और बम चलता था, लाठी डंडे और कट्टे चले। अरे साहब, चुनाव तो छोड़ दीजिए, आप जरा लाठी चला करके देखिए, जहाँ बैठे हैं जरा लाठी भाज करके देखिए, पता चल जाएगा। आने दीजिए कमेंट आने दीजिए। सुनिए मिश्रा, क्या क्या प्रतिक्रिया आई आपके लिए फेसबुक पर? एक सेकंड अभिषेक वाजपेयी, एक सेकंड। फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई एके मिश्रा के लिए, आज एके मिश्रा की वाणी बिल्कुल भाजपाइयों जैसी है। अगर एके मिश्रा है तो कोई भाजपाई नहीं है कि अगर सुन लीजिए, जिन्होंने फेसबुक पर कमेंट दिया है, अरे तो सुन लो भाई, जवाब ले लो कमेंट का। चावला जी, जिन भाई साहब ने कमेंट दिया है उनको बड़ी विनम्रता से बोल दीजिए, पढ़े लिखे हैं, मेरी डेजिग्नेशन आपने क्या लिखी है? एक मिनट रुको, आपने क्या लिखी है? वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? एक सेकंड, बिना पढ़े उन्होंने कमेंट दे दिया। एक सेकंड, या तो वो निरक्षर है जिन भाई साहब ने ये कमेंट दिया है। मेरी डेजिग्नेशन आपने लिखी हुई है क्या है? सेफोलॉजिस्ट आपने डिक्लेयर किया, मैं पॉलिटिकल, कहीं भाजपा का लिखा हुआ है? भाजपा नेता, भाजपा प्रवक्ता, भाजपा समर्थक? नहीं, उनको लगा तो भाई साहब को नसीहत दीजिए मिश्रा जी। नहीं, अरे उनको ऐसे ही लगता है सर, भेड़ चाल। इसीलिए मैं भेड़ चाल में मैं नहीं चलता हूँ। कांग्रेस, नहीं, कांग्रेस के नेता को भी ये लग रहा था
दो पार्ट होते हैं किसी क्राइम में, क्राइम हो गया नहीं होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, दुखद चीजें होती हैं। सेकंड रोल जैसे ही अगर कोई एक दुखदायी घटना हो जाए शासन प्रशासन का होता है, इसके पहले तो शासन प्रशासन आंख मूंद के सोया रहता था, अब कम से कम शासन प्रशासन तुरंत एक्शन तो हो रहा है, एक शासन प्रशासन का मुखिया आकर के कुछ बोल तो रहा है। अच्छा, सामने से लीड तो कर रहा है, पुलिस वाले गुंडे बन जाए आप उसे जायज मान रहे हैं? कोई अपने आप को गुंडा डिक्लेयर करके तो दिखाए आज की डेट में यूपी में, माई का लाल हो तो बोले कि मैं गुंडा हूँ, यूपी ने अपने आप को गुंडा खोल के तो दिखाए, तख्ती डाल के घूमेगा थाने पहुंचेगा, जो अपने आप को गुंडा डिक्लेयर करेगा तख्ती डाल के थाने पहुंचेगा कि साहब हमें अंदर कर दो। अच्छा, तो इससे 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 मनोबल बढ़ेगा, ऐसी घटनाओं से मनोबल बढ़ता है ना एके मिश्रा, क्योंकि मैं संदीप द्विवेदी पूरा टाइम दूंगा आपको, एक सेकंड नहीं नहीं किसका मनोबल, किसका पुलिस का, आपके मनोबल बढ़ता है, है? इस तरह, पुलिस इस तरह के शासन और प्रशासन से साधु लोगों का, सज्जन पुरुषों का मनोबल बढ़ता है, जो देशद्रोही बैठे हैं, गुंडा तक तो डिबेट में भी बैठे रहते हैं, जिनको अकल नहीं होती है। अच्छा, तो आप सर्टिफिकेट देंगे एके मिश्रा, आप सर्टिफिकेट देंगे अभिषेक वाजपेयी को, आप सर्टिफिकेट देंगे? सर्टिफिकेट नहीं, नहीं तो आप सर्टिफिकेट देंगे क्या? देने वाला नहीं हूँ मैं, सर्टिफिकेट देने वाला नहीं, ना देता हूँ ना लेता हूँ, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा सुन लीजिए एक बार, अभिषेक वाजपेयी की सुनिए, फिर मैं संदीप द्विवेदी आपको पूरा टाइम दूंगा। जो अपने आप को गुंडा सिद्ध करना चाहते हो, जो अपने आप को गुंडा सिद्ध करना चाहते हो चैनल में, मैदान में आके करे, बोले कि हम अरे भाई चैनल से, अखबार से, जमीन पे आके, शहर में, गांव में आके अपने आप को गुंडा सिद्ध करिए, है हिम्मत तो गुंडा सिद्ध करिए। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, अभी हम नहीं सिद्ध करेंगे भाई, गुंडेगर्दी की बात आप कर रहे हो, आप सिद्ध, हम नहीं दे रहे सर्टिफिकेट, आपको सुनाई कम देता है तो कान में मशीन लगा के आइए, हमने पहले बोल दिया ना मैं सर्टिफिकेट देता हूँ ना लेता हूँ, पानी पी लिया ठंडे हो जाइए, मैं देता हूँ ना के मिश्रा जी, पानी पिलाने के लिए आए हैं सर, हम पानी पीते नहीं है, पानी पिलाते हैं। एक सेकंड मुझे पता आप ब्राह्मण व्यक्ति है, क्षमा करिए एक सेकंड, वाजपेयी जी भी ब्राह्मण है, आप भी, आज सभी ब्राह्मण एक साथ बैठे हुए हैं, भैया मुझे श्राप मत दे देना, एक सेकंड अभिषेक वाजपेयी, ब्राह्मण की परिभाषा कुछ और है महाराज, एक सेकंड जल्दी से अपनी बात रखिए अभिषेक वाजपेयी, फिर मैं संदीप द्विवेदी को पूरा टाइम दूंगा और कोई बीच में नहीं बोलेगा, बोलिए अपनी बात रखिए। देखिए तिलक जी, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई साहब मिश्रा जी बोल रहे थे, 114 विधायक लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है, नंबर एक बात। इनके यहाँ के खुद ही विधायक कहते हैं साहब मुझे बचा लीजिए, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो और कौन सी बात कहना चाहते हैं मिश्रा जी, मैं इसी चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं जवाब दे दे रहा हूँ, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, पुलिस वाला हो, नागरिक हो, बिजनेसमैन हो, जो गुंडाई करेगा वो यही बोलेगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, कह लो आप ही कह लो। एक सेकंड मिश्रा जी, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, आप सभी को पैनल में गुंडा साबित करके जा रहे हैं, आप उनको बात ही नहीं रखने दे रहे भैया, गुंडे ही दिखा रहे हैं, खुद साबित कर रहे हैं हम गुंडा हैं। अच्छा, आप ही सबको जो है, आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही पैरवी करेंगे, जबरदस्ती आप हमें जज कलेक्टर सब बना रहे हैं। नहीं, एक सेकंड मिश्रा जी, नहीं एक सेकंड, तो बोला हम सर्टिफिकेट देते हैं ना लेते हैं, नहीं एक सेकंड, ठीक है, अब आप मैं प्लीज बैक फायरिंग मत करिए, ठीक है, नहीं आप बैक फायरिंग मत करिएगा प्लीज, कवरिंग फायरिंग मत दीजिएगा आप, एक सेकंड एके मिश्रा मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि एक शख्स जिसकी संदिग्ध है, एक सेकंड जिस मिस्ट्री का मैं जिक्र कर रहा हूं, शौचालय में उस जाता है, उसके बाद शौचालय में जाकर उसकी मौत हो जाती है, जो जिक्र किया जा रहा है, फांसी लगाई, मौत उस वक्त नहीं हुई जो जिक्र किया जा रहा है, मौत बाद में उपचार के दौरान,
लेकिन किसी को आवाज ही नहीं आई, कोई छटपटाहट नहीं हुई, किसी को मालूम ही नहीं चला कि आरोपी अंदर जो है खुद को फांसी लगा रहा है, और वो भी 2 फीट के नलके के ऊपर, वो भी प्लास्टिक के नलके के ऊपर, और वो भी उस डोरी से जो जैकेट में बंधी हुई है। आपको हैरानी नहीं हो रही? एके मिश्रा जी, नहीं देखिए, जिस हिसाब से ये सब बातें हो रही हैं, डेफिनेटली हैरानी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। मैंने आपको बताया, दोषी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, घटना के बाद किसी भी सरकार को, और ये एक अच्छी चीज है जो मुझे लगती है, इसीलिए मैंने एक रेफरेंस दिया था। मुझे लगता है इसमें भी सरकार बहुत तेजी से कुछ न कुछ, अगर इस जांच से, इस थ्योरी से लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो और भी लेवल होते हैं, और भी एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन उसमें लिए जाते हैं और कई बार जांच की जाती है, कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हमें लगता है कि हम कोई बहुत इन सब मामलों के, हम स्पेशली मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं क्राइम वगैरह का, एक जनरल ये है कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि नेक्स्ट लेवल की जो और एक्सपर्ट जांच है, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट लेवल पे गवर्नमेंट जाएगी, और उसके लिए प्रेशर सबको बना के रखना चाहिए। ओके ओके।